तो यहाँ पे खड़ी है एक स्ट्रीट बॉब बिल्कुल ब्रांड न्यू सी, देन स्ट्रीट रॉड। ओहो रॉड देखो, एक दो तीन चार, ओ माय गॉड, एंड देन हेरिटेज सॉफ्ट टेल। ऐसी अपनी टर्बो फैमिली में एकदम बढ़िया, बहुत ही चकास। और यहाँ पे ये दो लोग, हेलो, ये क्या चल रहा है? ये बोल रहे हैं कि कौन सी बाइक चलाना चाहोगे। मैंने कहा जॉन सी मिल जाए, जॉन सी मिल जाए। ये अलग ही तरह का मतलब कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। एनीवे तो यहाँ पे खड़ी है बहुत सारी बाइक्स और NS1 का शोरूम। हाँ जी, एक्साइटेड? तो कितनी सारी बाइक्स खड़ी हैं, काफी देर से हम इसको लाइनअप करा रहे थे और सबको मतलब टेम्पटेशन आ रही है, मतलब इसको एक बाइक बिल्कुल पसंद आ रही, उसका पास चले तो चार पांच ले जाए। और अगर सच बताऊं तो मेरे को भी अगर मन होना तो मैं शायद ये सारी की सारी लेके चले जाऊं, हर मॉडल की भी एक साथ लेके चले जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आई वुड लव टू सी दिस काइंड ऑफ कलेक्शन। तो यहाँ पे खड़ी है फर्स्ट 883, आज अपन प्राइस की बात नहीं करेंगे, देन 48 48 48 48 48। And believe me, 48 मेरी favorite bike है। Color combination देखो कितना सुंदर है। Color correction and मतलब red color और ये this is not red, that's orange, a little orange, orange. Yes, this is blue with a little bit ape bar पीछे, वहाँ पे old school style का वो पीछे backrest लगा हुआ है। Then ये अपना favorite black color, all black and maroon color की एक और, then ये एक बहुत ही different सी लग रही है, actual में अच्छी लग रही है मुझे, मतलब देख के एक्चुअल में मजा आया, ज्यादा अच्छी लग रही है। एक ये और एक वो ब्लू कलर की चील छपी हुई, ओए होए क्या बात है, सही बात, छपी हुई ईगल, मजा, ईगल छपी हुई ईगल। यहां पे खड़ी है एक स्ट्रीट बॉब बिल्कुल ब्रांड न्यू सी, देन स्ट्रीट रॉड। ओहो रॉड देखो, एक दो तीन चार, ओ माय गॉड, एंड देन हेरिटेज सॉफ्ट टेल। तो दिस इज़ अ क्लासिक बाइक, बिल्कुल वाइट वॉल टायर्स, बिल्कुल मतलब डिफरेंट सी लगती है। आगे पूरे ऑक्सिलरी लैंप्स, एक पूरी विंड स्क्रीन। हाँ जी, ये कैसी लग रही है आपको? ये मुझे अच्छी है, ये बहुत मतलब खूबसूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे तो आपको मोटो गुजी एक्साइट कर रही है। तो मोटो गुजी की एक स्पेशलिटी है कि इसके अंदर जो इंजन है वो भी वी ट्विनी है, बट 90 डिग्री इंजन है। तो इसको ना स्टार्ट करके आपको बिठा के एक बार रिएक्शन लेंगे, क्योंकि जब ये स्टार्ट होती है तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होती है, डिफरेंट मतलब बहुत डिफरेंट। नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये वाली वी ट्विन है ठीक है, बट इसमें इंजन ऐसे लगा होता है ठीक है, वी, ये भी वी है पर इसमें 90 डिग्री लगा होता है ऐसे, मतलब ये इंजन ऐसे खुले हुए राइट, ओपन है। तो ये जब स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है, देन यहाँ पे एक इंट्रूडर, एंड बिलीव मी गाइस दिस इज अमेजिंग बाइक। ये मतलब जिसको एक माचो बाइक चाहिए हो ना, बड़ी बाइक चाहिए हो, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देन अब यहाँ पे आ गई वी मैक्स, तो वी मैक्स का एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी आने वाला है, पूरा एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो, जॉन इब्राहिम की बाइक। और वी मैक्स एक और भी खड़ी है इनके पास, मतलब दो दो वी मैक्स एक ही जगह पे फॉर सेल, इमेजिन यार कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक और इंडियन डार्क हॉर्स, दिस इज अगेन विंटेज टाइप ऑफ बाइक, बहुत ही डिफरेंट लगती है, अमेजिंग लगती है दिखने में, पूरी ऑल ब्लैक मैट एंड थोड़ा सा शाइन, वैसे ऑल एंड ऑल ये ब्लैक कलर की ही है। एंड ये कैसी लगी आपको? दिस इज ब्लैक हॉर्स, अच्छी है, डार्क हॉर्स, बट देन अगर दिस इज अ गुड मोटरसाइकिल, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा राइडिंग स्टाइल है उसको ये सूट नहीं करता। राइडिंग स्टाइल आपका ये रहा, तो इनको जो भी राइडिंग स्टाइल समझ में आता है वो ये वाला समझ में आता है, क्योंकि इनको करना होता है टूर, एंड टूर के लिए ये दिस इज अ प्रॉपर टूरिंग बाइक, 1000 cc वर्सेस, तो दिस इज निंजा, कावासाकी निंजा वर्सेस 1000, बहुत ही अल्टीमेट बाइक, अमेजिंग आवाज और ग्राफिक्स, और इस पे सामान लगा हुआ है, ब्यूटीफुली डन, इंडिया इंडियन फ्लैग भी है यहां पर। आपको पता है इस पे कम से कम 5 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है? हाँ वो तो लग ही रहा है दिखने में, पर 5 लाख तो शायद 3 लाख का होगा। नहीं नहीं, इस पे 5 लाख रुपए का टॉप अप हुआ है, मतलब पूरी लोडिंग है बाइक के ऊपर। एंड ये सेम बाइक यहाँ पे खड़ी है, ये रही, ये सेम है। हाँ जी, ये बिल्कुल सेम बाइक है, और देखो कितना फर्क है, ये बिल्कुल सेम, बहुत डिफरेंस है दोनों मॉडल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल अलग लग रही है, देखो अगर साथ में भी खड़ी है ना, बिल्कुल नहीं लग रही, बिल्कुल अलग लग रही है। तो ये बिल्कुल दोनों एक जैसी है, उस पर 5 लाख रुपए का करीब करीब सामान लगा हुआ है। एंड यहाँ पे एक और ब्यूटी, 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 ओह माय गॉड, ये प्यार है,
तो दिस इज होंडा गोल्ड विंग एंड बिल्कुल डिफरेंट बाइक, अमेजिंग. सबसे अच्छी बात है इसमें गियर नहीं होता, मतलब ना क्लच है ना गियर है, दिस इज ऑटोमेटिक. डू यू नो दिस? हाँ मुझे बताइए. मेरा एक्चुअली स्कूल में जब मैं 10th क्लास में थी तब मैंने ये ले में देखी थी. अच्छा. अमेरिकन कपल्स लेकर आए हुए थे. ओह ओह माय गॉड. बट उस टाइम पे द कलर वाज डिफरेंट. ओके. एंड इसकी एक और खासियत है बाइक की कि इसमें रिवर्स गियर है. हाँ मुझे पता है इसमें रिवर्स गियर. वाओ, लड़की घोड़ा ज्ञान है, मतलब इस बाइक के बारे में ज्ञान है. तो माय क्रश. अच्छा, एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगती है दिव्या की, जो एक्चुअल में तारीफ कर रहा हूँ आज पहली बार कैमरे पे, कि आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, आप उसको पूरा स्टडी कर लेते हो. ये एक अच्छी बात है. एंड हाई फाइव फॉर दिस. चलो गाइस, तो यहाँ पे आ गई एक और हार्ले, एंड दिस इज स्ट्रीट ग्लाइड. अगेन बड़ी बाइक, काफ़ी सारा सामान, म्यूजिक सिस्टम, और दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त. मतलब मुझे ये बाइक एक्चुअली पर्सनली बहुत ज़्यादा तो नहीं पसंद है, बट यस, अगर जिसको हार्ले चलाने का शौक हो और हार्ले में इंटरेस्ट रखता हो तो दिस इज़ अ सुपर सुपर अमेजिंग ऑप्शन. अब यहाँ पे आ गई भाई मल्टी स्टाडा डुकाटी. मल्टी स्टाडा डुकाटी की एक ऐसी बाइक जो बहुत ही जंपो लगती है, बड़ी लगती है, एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग बाइक. जिसको भी टूरिंग करना हो तो अगेन परफेक्ट फॉर टॉल पीपल. एंड टॉल पीपल जो 6 प्लस है उनको मजा आ जाएगा इस मोटरसाइकिल. नहीं, आप अगर 5'10" भी हो तो भी आप आराम से इसको राइड कर सकते हैं. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और चल भी रही है. दैट इज GS 1250 टूरिंग बाइक. बॉक्सटर इंजन, इसका इंजन बॉक्सटर है गाइस, मतलब बिल्कुल फ्लैट, अलग ही बाहर निकला हुआ इंजन, और बहुत ही डिफरेंट राइडिंग स्टाइल है इसका भी. मतलब चलने में बहुत कंफर्टेबल है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है. इस टाइम पे इसकी काफ़ी मार्केट वैल्यू अच्छी हो गई है, मतलब जो भी इसको ले रहा है उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है. एंड अगर किसी को एक टूरिंग बाइक चाहिए हो विद अ स्पोर्ट्स इंजन, बिलीव मी विद अ स्पोर्ट्स इंजन, मतलब अगर स्पोर्ट्स बाइक की पावर, स्पोर्ट्स बाइक जैसी आवाज़ और स्पोर्ट्स बाइक जैसा इंजन, तो दिस इज द वन. दिस इज टूरिंग स्टाइल है क्या? दिस इज अ टूरिंग बाइक, प्रॉपर टूरिंग बाइक. हां, दिस इज अ टूरिंग स्टाइल. उसमें इन्होंने स्पोर्ट्स बाइक का इंजन लगाया है. स्पोर्ट्स बाइक का प्रॉपर इनलाइन 4 BMW S1000R का इंजन है इसके अंदर. दैट इज 1000cc 140 bhp. एंड देन ये वाली बाइक काफ़ी डिमांड में रही है बीच में. दिस इज CBR650R. इसका मैंने आज तक रिव्यू नहीं बनाया. मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं इसका एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा, छोटा ही, बट बनाने की कोशिश करूंगा. एज दिस इज इनलाइन 4, और इस सेगमेंट में इनलाइन 4 में कवर्ड बाइक विद अ फेयरिंग, ये सिर्फ एक अकेला ऑप्शन है ऐसा जो आता ही नहीं है. Z900 होगी बड़ी फेवरेट बाइक, एंड फेवरेट मतलब इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये बाइक बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पैपी है, वेरी ईजी टू मेंटेन, वेरी गुड रीसेल वैल्यू, एंड सुपर प्रैक्टिकल. एंड यहाँ पे खड़ी है एक GSX S1000 रेयर बाइक. ये बाइक नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी भी नहीं, बहुत कम आई थी इंडिया के अंदर, एंड बिलीव मी इट्स डिफरेंट, वेरी पावरफुल. अगेन 1000cc नेकेड बाइक. एंड यहाँ पे आ गई एक स्पोर्ट्स क्रूजर, तो ये एक अलग सेगमेंट है. दिस इज डुकाटी डियावल, एंड बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट. सेगमेंट मतलब ऐसा कि गजब का, गजब का, मतलब किसी को भी अगर एक बहुत ही पावरफुल इंजन वाली बाइक चाहिए हो, बहुत ज़बरदस्त थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए हो, एंड उसको क्रूज करना हो, मतलब ये ना टूरिंग है, ठीक है, ना ही ये स्पोर्ट्स बाइक है, दिस इज़ अ क्रूज़र. तो क्रूज़र मतलब जैसे हार्ले क्रूज़र बाइक होती हैं वैसे ही बाइक है, बट विद अ स्पोर्ट्स जॉनर, मतलब स्पोर्ट्स टाइप इंजन. देन यहाँ पे हुई 899 डुकाटी. 899 वेरी गुड बाइक, वेरी पैपी, गुड कलर, चलने में बहुत अच्छी बाइक. किसी को एक लो पावर बाइक चाहिए हो एंड स्टार्टिंग करनी हो तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. देन हियर इज़ द लव V4. इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ये बाइक. दिस इज़ डुकाटी V4, एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज़ मतलब ये स्टॉक बाइक चली जाती है 333, एंड 333 एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड होती है स्टॉक बाइक के हिसाब से. देन यहाँ पे अपना प्यार आ गया BMW S1000RR, एंड दिस इज़ अ प्रो मॉडल. आई लव दिस बाइक. मैंने बेच दी है, बट उसका कुछ रीज़न था और वो रीज़न मैं बार बार डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो मैं उस चक्कर में ही पढ़ूंगा. देन यहाँ पे फैल्कन द माइटी हायाबूसा. तो हायाबूसा 1, हायाबूसा 2, हायाबूसा 3 एंड हायाबूसा 4. तो कलेक्शन देखा कितना ज़बरदस्त है. तो वैसे कोई भी बाइक की अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो NS1 पे, एंड वेबसाइट पे जाके भी कंप्लीट स्टॉक चेक कर सकते हो विद प्राइजेस. तो फाइनली कौन सी बाइक अगर आपको यहाँ से लेनी हो एक बाइक, ठीक है, तो आप कौन सी लोगे?
पहला क्वेश्चन। वैसे जब से आपकी चलाई है ना, मेरा अभी भी मन हायाबूसा पे ही है, लेकिन मुझे आई थिंक मैं सारी मोटरसाइकिल को एक बार स्टार्ट करके देखना चाहूंगी, एक बार मेरे को चेक करना है कि अब भी चलो एक काम करते हैं, लड़की की इच्छा पूरी कर देते हैं, हर एक सेगमेंट की एक बाइक स्टार्ट करवा के दिखाता हूँ। तो चाबी लगी हुई है, एक काम करते हैं लाउडेस्ट ढूंढते हैं। तो ये रही, ये चाबी लगी हुई है, लाउडेस्ट है, तो इसको आप स्टार्ट करके देख लो। हाँ लो 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 लो, तो दिस इज एक्चुअली 1200 सीसी बाइक, इसलिए कि ये इतनी सी बाइक है, छोटी सी, बट दिस इज अ 1200 सीसी बाइक एंड दिस इज अ रॉकेट, बिलीव मी, एक स्मॉल पॉकेट रॉकेट वाली बाइक है ये। आई कैन एक्चुअली लिटरली आई कैन स्मेल द पेट्रोल बर्निंग, मतलब पेट्रोल, फ्रेश पेट्रोल होता है और एक जो पेट्रोल बर्न होता है उसका फ्रेगनेंस आ रहा था, मतलब कुछ लोगों के लिए वो स्मेल है, मतलब कुछ लोगों के लिए वो स्मेल है, कैन यू अंडरस्टैंड, हमारे लिए तो फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस डूड, इट्स अ फ्रेगनेंस। चलो एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, मैं चाबी ऑफ कर रहा हूँ इसकी। अरे क्या बात कर रहे हो, दिस इज अमेजिंग बाइक, बहुत सूट करेगी। एंड अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो भाई अब ये कर रही है फैड बॉब स्टार्ट एंड फैड बॉब, ये रही, चलो भाई करो। बेस सुन रहे हो, आ रहा है ना गजब का। तो ये एक्चुअली एक ऐसी बाइक है जिसको मैं भी ले सकता हूँ, मतलब मेरा काफी मन है ऐसी एक बाइक हो घर के अंदर, जिसको मैं रात को लेके गेड़ियां मारने चला जाऊँ। हाँ जी, कैसी लगी? ग्रॉलिंग अच्छी थी, तो ये इसका ऑटो लॉक था, ऑटो लॉक हो चुका है ऑलरेडी एंड लॉक लग चुका है, इसमें कोई चाबी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हैंडल लॉक लगाने के लिए होता है चाबी। दिस इज सॉफ्ट टेल सीरीज, सॉफ्ट टेल सीरीज जितनी भी होती है हार्ले की सारी ऐसी होती हैं। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो हेरिटेज वैसे ऑल इन ऑल सेम ही होती है आवाज़, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। ये एक स्पेशल बाइक है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, तो इसको आप बैठो पहले, आपको मजा आएगा। हाँ जी चाबी हमने पकड़ लिया, आप बैठो। हाँ बैठ गए, चलो जी स्टार्ट करो। हाँ जी, तो कैसी फीलिंग है? मतलब जब मैं इसको ट्रॉटल दे रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ना थ्रो करने की कोशिश कर रही है। एक खासियत है, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये इधर जाती है बाइक, राइट, तो आई रियली लाइक दिस बाइक। उनके सो जुड़ गए, ओ भाई टायर हिल गया पीछे का, यूं हो गया। चलो जी बंद कर देते हैं, तो अब इसको भी बंद कर दिया एंड अब आगे चलते हैं एक बहुत ही स्पेशल बाइक पे, दैट इज वी मैक्स। इसको स्टार्ट करो, मजा आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ, आप स्टार्ट करो इसको, इसकी ग्रॉल सुनो जरा स्टार्ट करके। तो इसमें एक लगी हुई है चाबी बिल्कुल स्पेशल वाली एंड ये चालू की एंड ये रहा बटन नीचे सेल्फ। हाँ जी करो, चाबी ऑफ। चलो कैसी लगी? नाइस, अच्छी बाइक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। तो एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करके देखो, ये है बिल्कुल डिफरेंट बाइक, डिफरेंट मतलब आपके बिल्कुल मतलब की एंड ज़बरदस्त वाली। ये रही चाबी, ओ तेरी, ये देखो लाइटें, देखो जरा इस बाइक के अंदर। हाँ करो करो करो, छोटे से बच्चे ये देखो बाइक देखो और इसका साइज देखो भाई, अलग सी लगती है बिल्कुल। तो वैसे अंधेरा बहुत ज्यादा आ रहा है, अंधेरे का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पीछे से भी लाइट आ रही है एंड द सेम बाइक। चलो आगे आ जाओ, हम उन दोनों को छोड़ देंगे अभी, उसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए एंड उसके बाद एक काम करते हैं इसको, ये दिस इज बॉक्सटर इंजन, वेरी डिफरेंट, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये आ गई BMW GS
1250 एंड इसकी चाबी दिखा दो एक बार। तो इसकी चाबी ये ऐसी होती है बिल्कुल कार की स्टाइल में एंड आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए यहाँ से दबाना है पुश बटन। तो पुश बटन दबाओगी और मुझे इसका मीटर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ये देखो बहुत साइलेंट था। अरे अल्टीमेट एंड बिलीव मी दिस इज अ ब्यूटीफुल बाइक, वेरी एडवांस, सुपर डुपर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इस बाइक में। करो जी स्टार्ट करो। चलो इसको भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गई S1000XR स्पोर्ट्स इंजन वाली टूरिंग बाइक। चलो जी इसको भी स्टार्ट कर लो। ये भी पुश बटन है, इसके अंदर चाबी इसी के अंदर लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो स्टार्ट क्योंकि मैं इसको भी चला के आया था। यस ये भी साइलेंट है, ये भी साइलेंट है पर ये वॉलेंट भी है। स्टार्ट तो करो इसको। BMW की जो मोटरसाइकिल्स है इनका तो तरीका समझ आ गया। सो दिस इज इन लाइन 4, ये 4 सिलेंडर वाली बाइक है, ये वाली 2 सिलेंडर थी। चलो करो। ना फाड़ लेते पसीना निकल आया मेरा, स्वेटिंग शुरू हो गई। आया मजा आया, हिम्मत है उनकी जो चलाते हैं। चलो अभी अभी और स्वेट लेके आते हैं, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट में जो आप लोगों का काफी फेवरेट सेगमेंट है। पर पटाखा आग वगैरह निकले? हां हां आग निकलती है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। आग निकलती है? हां जी हां जी आग भी निकलती है, आग भी दिखा देंगे अभी आपको। तो एक काम करते हैं, ये लो V4 ये अगेन, ये बहुत डिफरेंट बाइक है, V4 तो बनती है एंड चाबी भी लगी हुई है। चलो वेल डन, चाबी लगी हुई है। चलो ये करो V4 को स्टार्ट। अब मैं आराम से, ये देखो जरा मतलब बाइक देख रहे हो इसका, ओ अलग सी बाइक है भाई। गॉड मेरे को सबसे अच्छी इसकी टेल भी लगती है, ये टेल यहाँ से इतनी खतरनाक लगती है। अरे आपने अभी लाइट नहीं दिख रही आपको, तो हेडलाइट तो आपको दिख ही नहीं रही है। चलो करो जी स्टार्ट करो। ऐसी होती है। चलो S1000 पे आ जाओ, इसमें लगा हुआ है सिस्टम एक्रापोविच लगा हुआ है गाइस इस पे एंड इसकी आवाज होगी खतरनाक वाली क्योंकि इसमें लगा हुआ है शॉटी। चलो भाई स्टार्ट कर दो इसको, तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, आपने ऑलरेडी चलाई हुई है। चलो बंद कर दो एंड अब फाइनली करते हैं बूसा को स्टार्ट। तो बूसा में हम करेंगे ये वाली SC प्रोजेक्ट। चलो भाई अब जाकिर का नंबर, तो जाकिर करेगा स्टार्ट बूसा को एंड दिस इज विद SC प्रोजेक्ट। ये सब ये आई आवाज, ये रोर था प्रॉपर रोर। हां जी कैसा है रोर? ये गाइस साफ ही है, मुझे करना है, ये ज्यादा लाउड वाली इनको नहीं देनी। ये कर सारे करे आ जाओ।
चलो जाओ आप कर दो कोई तो ये थी भूसा की आवाज, मतलब माइटी हाया भूसा। अब बताइए फाइनली आप कौन सी बाइक लेना चाहेंगे, आपने सब स्टार्ट करके भी देख ली है। जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको अगर कोई बाइक लेनी हो एक, तो आप कौन सी लोगे? दुकाती V4 Ducati. ओके, तो she'll go for Ducati V4. तो 899 लोगे या Ducati V4 लोगे? V4. चलो V4 इनको पसंद आ गई है। एंड अगर अभी भी मुझे लेनी होगी तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं लूंगा ये, दिस इज XRS 1000, 1000 cc, 140 bhp स्पोर्ट्स बाइक का इंजन, एंड इन टूरिंग बाइक, या फिर अपन लेंगे ये रही, मतलब गोल्ड विंग भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में वो एक ऐसी बाइक है जिसको बैठ के मतलब अपन आराम से ट्रेवल भी कर सकते हैं और थोड़े से मज़े भी ले सकते हैं। मेरे घर में ना पाठ लग जाता है ना थोड़ा सा लाउड, तो फोन आ जाता है कि स्लो कर लो, तो बस तो फिर आपके लिए ये कोई भी बाइक आपके लिए नहीं बनी है, मत लेना, गलती से मत लेना। नहीं क्यों, मैं बाहर निकाल के, अच्छा सुनो सुनो S1000 सुनो पर वो आप मेरे को लेने नहीं दोगे, ले मत लेना बिल्कुल भी।